स्वागत है आपका ऑटो जिंदगी पे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस आज मेरे पास है ये कार जो कि दी ऑल न्यू लैंड रोवर डिफेंडर। एज ऑलवेज आज के इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर स्पेस। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह की ये गाड़ी जो है आपको चलाने मिल जाती है, किस तरह की एसयूवी जो है वो चलती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और प्राइस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स बी स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आपको कुछ सवाल है तो श्योरली आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। नाउ वी कैन एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात की है तो राइट इन द सेंटर यहाँ पे जो है बोल्डली लिखा गया है डिफेंडर। यहाँ पे आपको लैंड रोवर का बैच जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अबाउट द हेडलाइट्स ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑल एलईडी आपको लाइट्स मिलती है। मैट्रिक्स लाइट्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। जो यहाँ पे बंपर आपको मिलता है वो कंप्लीटली फिनिश्ड इन सिल्वर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोनेट पे जैसे कि आप देख सकते हो काफी रगेड और यहाँ पे जो है काफी मस्कुलर फील ये गाड़ी आपको देती है। रोड प्रेजेंस काफी शानदार इस गाड़ी से आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे बोनेट पे बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का टेक्सचर दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आप प्लेट रख के आप आराम से जो है अपनी पिकनिक एंजॉय कर सकते हो, आप सफारी एंजॉय कर सकते हो। और साइड प्रोफाइल की बात की है तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफी ह्यूमंगस इन साइज ये गाड़ी जो आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी साइज जो डिमेंशंस है उसके बारे में मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये गाड़ी खुद बताएगी। वो कहाँ पे दिखाता है वो मैं आपको जो है गाड़ी में जैसे हम लोग फीचर्स की बात करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक एयरवेंट मिलता है लेकिन ये फेक एयरवेंट है, उस तरफ जो है फंक्शनल आपको मिलता है। यहाँ पे अगेन डिफेंडर का जो है बैज मिलता है तो बाहर से जो लोग जाएंगे तो उनको पता चलना चाहिए कि कौन सी गाड़ी वो जो है देख रहे हैं। यहाँ पे मिरर जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको मिलता है। एलईडी यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पे भी आपको कैमरा मिलता है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा दिया गया है। और बाय द वे यहाँ पे जो है नीचे ये प्रोजेक्ट भी करता है रात में, बेसिकली ये गाड़ी नीचे जो है लोगो प्रोजेक्ट करती है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। सो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल इस गाड़ी से आपको देखने के मिलता है। अब ऑब्वियसली इसमें पैसिव एंट्री का बटन भी आपको मिलता है। तो चाबी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह की, यहाँ पे चाबी आपको मिलती है। यहाँ पे चार पांच बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लॉक के लिए बटन है, अनलॉक के लिए बटन है, यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प्स है, बूट ओपनिंग के लिए है और यहाँ पे आपको हजार्ड लैम्प के लिए भी बटन है। तो ये गाड़ी की चाबी जो है आप जेब में रखिए और यहाँ पे पैसिव एंट्री का बटन है तो ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी। मिरर्स को इस तरह से फोल्ड हो जाता है, फिर से आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको देखने के मिलती है। यहाँ पे जो पिलर है यहाँ पे आपको कम्प्लीटली यहाँ पे लैंड रोवर का बैच देखने के मिल जाएगा। रूफ ब्लैक आउट आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे रूफ रेंज आपको कम्प्लीटली ब्लैक आउट फिनिश में मिलते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का रियर प्रोफाइल, अगेन काफी मस्कुलर, काफी रोबस्ट, काफी सॉलिड यहाँ पे आपको रियर प्रोफाइल मिलता है। स्पेयर व्हील जो है उसका साइज यहाँ पे सेम आपको मिलता है, किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग की नहीं गई है। सेम साइज जो बाकी के आपके चार पहिए हैं सेम साइज का टायर आपको स्पेयर व्हील में मिलता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डिजाइन भी काफी जो है यहाँ पे आपको जो है सिंपल एंड नाइस डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। ब्लैक्ड आउट यहाँ पे आप ब्लैक्ड आउट या फिर ग्रे या फिर आप मैट ब्लैक इसको कह सकते हो। अब बात करते हैं अबाउट द रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पे बेसिकली वाइपर जो है वो छुपाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे डिफॉगर ऑब्वियसली आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टेल लाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऑल एलईडी टेल लाइट्स आपको मिलती है। ये वाले जो है ये आपके इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ। बाय द वे यहाँ पे डिफेंडर एसी का बैज है, दिस इज दी 110 एसी वाला ये वेरियंट आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जैसे आप बटन आपको मिलता है तो कुछ इस तरह से ये जो है दरवाजा आप कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन कर पाएंगे। बूट स्पेस यहाँ पे काफी बेहतरीन आपको मिलता है। बाय द वे 7 सीटर गाड़ी है ये
लेकिन मैं आपको जो 7 seat ऑप्शन जो है 7 row हम लोग ऊपर करके भी देख लेंगे कि कितना स्पेस मिलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5 seater में जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बैग जो है आपको मैं निकाल के दिखा दूंगा कि किस तरह से ये बैग मैं जो है आगे रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको स्पेस मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आराम से जो है 2 बड़े bags जो है इनफैक्ट 4 बड़े bags आप आराम से लोड कर पाएंगे। अब मैं जो है ये काफी आसान है इसको निकालना बाय द वे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है इसको निकाल पाएंगे और यहाँ पे आप फोल्ड करके आप आराम से इसको रख सकते हो। और ये जो सीट है कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाती है। तो ये हो गया आपका 7 seater वर्जन। और यहाँ पे अगर आपको जो है छोटा सा स्पेस मिलता है तो यहाँ पे आप जो है कुछ सामान आप चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको जो है हुक दिया गया है यहाँ पे भी आपको एक हुक मिलता है। यहाँ पे लाइट प्लेसमेंट दी गई है एंड बाय द वे इसमें एक बेहतरीन फीचर आपको मिलता है जो कि है एयर सस्पेंशन। तो गाड़ी की जो राइड हाइट है वो आप कम या ज़्यादा कर पाएंगे। यहाँ पे बटन दिया गया है तो ये जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी की हाइट जो है वो आप कम या ज़्यादा कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैं गाड़ी की जो राइड हाइट है उसको ऊपर ले रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। इससे जो है काफी आसानी हो जाती है आपको लगेज जो है वो लोड इन करने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैं वापस नीचे कर रहा हूँ इसको तो कुछ इस तरह से इसकी राइड हाइट जो है एयर सस्पेंशन के कारण आप ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन यू हैव सम स्पेस टू कीप योर स्टफ। यहाँ पे डिफेंडर का बैज आपको मिलता है। यहाँ पे स्क्रूज जो है वो ऐसे ही रॉ जो है कम्प्लीटली ओपन छोड़े गए हैं और ये ओपन इसलिए छोड़े गए थोड़ा रॉ फील देने के लिए थोड़ा और रगेड फील देने के लिए। यहाँ पे आपको एक जो है हाथ डालने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया एंड दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे और एक कूल फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सॉफ्ट डोर क्लोज यहाँ पे काफी हैवी दरवाजा बाय द वे मिलता है क्योंकि स्पेयर व्हील माउंटेड है। तो यहाँ पे ताकत लगा कि आपको दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है कोई इस तरह से इसको लेके जाना है और ये ऑटोमेटिकली जो है दरवाजे को अंदर सक इन कर लेता है। सो गाइस ये थे कूल फीचर्स ऑफ द लैंड रोवर डिफेंडर। अब बात करते हैं अबाउट द टायर प्रोफाइल और फिर जो है हम लोग गाड़ी के अंदर चलेंगे और फीचर्स क्या क्या आपको मिल जाता है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है दैट इज 225/60R20 20 inches के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कम्प्लीटली मैट ब्लैक फिनिश में आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सारे चारों दरवाजों पे आपको जो है रिक्वेस्ट बटन मिलता है। मैंने आपको रिक्वेस्ट बटन कैसे काम करता है वो दिखा दिया। तो ये चारों दरवाजों पे आपको मिलता है। सेम यहाँ पे आपको लैंड रोवर का बैज मिल जाएगा। सेम सारी चीजें यहाँ पे भी आपको मिलती है। अब गाड़ी के अंदर चलता है और मैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है वो देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको इंजन दिखा दूंगा और फिर हम लोग स्पेस के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम लोग बात करेंगे अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। सो लेट्स क्विकली मूव इनसाइड। तो गाइस अब मैं आ चुका हूं इनसाइड द कार। अब बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है इन द लैंड रोवर डिफेंडर। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी को इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। स्पीडोमीटर और आपका टैकोमीटर यानी कि आरपीएम इंडिकेटर यहाँ पे आपको डिजिटल में देखने के लिए मिल जाएगा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये शो कर देता है। किस तरह से इन्फॉर्मेशन शो कर देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड भी बटन है, इस साइड भी बटन है। यहाँ पे ये वाला बटन जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बीच वाला बटन प्रेस करके आप बेसिकली मेन्यू में जा सकते हो और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखा देगा। यहाँ पे आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। यहाँ पे आपको मीडिया दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ट्रिप दिखा देगा, ट्रिप एनालिसिस दिखा देगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्ले में बेसिकली आप इन्फो पैनल जो है इसको चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4x4 मोड में था इस वक्त, तो मैं आपको जो है मैप्स स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट मैप आपको ये जो है ये गाड़ी यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देगी। तो आपको जो है रास्ते पे से नजर हटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देखने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो है ये मैप्स जो है वो शो कर देता है। तो यहाँ पे कोई इस तरह के फीचर्स आपको जो है ये गाड़ी दिखा देती है इस पर्टिकुलर स्क्रीन में। अब यहाँ पे आपको वॉइस कमांड भी मिलता है। वॉइस कमांड किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के लिए बटन मिलता है। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको जो है किस तरह से इसका क्रूज कंट्रोल काम करता है उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी मैंने एक बनाया है वीडियो क्रूज कंट्रोल के बारे में, वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो तब तक के लिए। अब बात करते हैं अबाउट द इन्फोटेनमेंट स्क्रीन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 10 inch का जो है
मी पीवी प्रो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, मेरिडियन का साउंड सिस्टम आपको मिलता है, टोटल 10 स्पीकर का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें ये दिखाता है वो देख लेता है। तो यहाँ पे मेन्यू में जैसे आप प्रेस करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट दिखा देगा, इको डेटा दिखा देगा, आपको वॉइस दिखा देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कैमरा जैसे आप प्रेस करेंगे तो 3D सराउंड कैमरा ये इस गाड़ी में आपको मिलता है। अपने फोन्स में तो 4 कैमरास देखे रहेंगे लेकिन इस गाड़ी पे जो है आपको 4 से ज्यादा कैमरास जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली 3D सराउंड आपको जो है ये गाड़ी कुछ इस तरह से दे देती है यहाँ पे, और अपने हिसाब से आप व्यू बेसिकली यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से भी चेंज करके जो है आगे का व्यू पीछे का व्यू आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करके जो है वो देख पाएंगे। ऑफ रोड में जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो ये आगे का व्यू दिखा रहा है और यहाँ पे आपको लेफ्ट व्हील के नीचे का व्यू दिखा रहा है, राइट व्हील के नीचे का व्यू यहाँ पे दिखा रहा है, तो कुछ इस तरह के व्यूज आपको दिखा देगा। अब और क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है वो देख लेते। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इको डेटा आपको मिलता है, यानी कि आपको माइलेज कितना गाड़ी दे रही है वो यहाँ पे दिखा देगा, और आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। इको टिप्स आपको ये गाड़ी देगी जिससे कि आप जो है गाड़ी से माइलेज जो है वो बढ़िया निकाल पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे और एक चीज आपको जो मिलती है दैट इज द वॉइस कमांड। उससे पहले मैं आपको जो है तो यहाँ पे वॉइस कमांड देख लेता है। तो यहाँ पे आपको जो है वॉइस कमांड कुछ जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो है क्लाइमेट कंट्रोल का वॉइस कमांड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है इसका टेम्परेचर आपको कम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे बटन है वॉइस कमांड के लिए, ये बटन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा डिक्रीज टेम्परेचर, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है 20 से 17 पे आ चुका है। सो कुछ इस तरह की से जो है इसका वॉइस कमांड बेसिकली काम करता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पे आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगी। और क्या चीजें मिलती है वो एक बार नजर डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैले मोड आपको मिलता है, लो ट्रैक्शन लॉन्च का आपको ऑप्शन मिलता है। मैंने आपको बाहर बताया था कि मैं आपको डिमेंशन गाड़ी के नहीं बताऊंगा, गाड़ी आपको खुद बताएगी। तो यहाँ पे व्हीकल डिमेंशन जो है ये गाड़ी आपको दिखाते हैं। सो फॉर इन केस अगर आपको जो है एंगल देख रहे हैं, अप्रोच एंगल, रैंप एंगल, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी की टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर्स की लेंथ यहाँ पे आपको मिलती है। विड्थ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 2.11 फीट की यहाँ पे आपको लेंथ जो है देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह की चीजें ये आपको दिखा देगा, यहाँ पे काफी सारी चीजें ये आपको दिखा देता है। सेफ्टी फीचर के मामले में लोडेड गाड़ी आपको मिलती है, ABS और एयरबैग, ये सारी चीजें तो आपको मिलती है। हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। अब यहाँ पे क्या क्या बटन आपको मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली AC के लिए कंट्रोल है, यहाँ पे और एक कूल फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो इसमें डिजिटली आपको जो है टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जैसे ही मैं बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लोअर का जो है फैन स्पीड जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आप जो है वो कम ज्यादा कर पाएंगे। यहाँ पे ये वाला बटन प्रेस करते ही यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारे मोड्स आपको दिखा रहा है। तो इसमें मल्टी टेरेन 8 मोड्स आपको मिलता है, इको मोड, कंफर्ट मोड, यहाँ पे ग्रास ग्रेवल, मड मोड, सैंड मोड, ये सारे रॉक मोड, वाटर वेडिंग कैपेसिटी बाय द वे इस गाड़ी की आपको जो है 900 mm की देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारे बटन्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको जो है राइड हाइट, मैंने जैसे आपको पीछे बताया था वैसे ही यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे कि आप राइड हाइट जो है यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगी, यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो नीचे चली जाएगी। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए AC बटन है, बाय द वे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन यहाँ पे आपको मिलता है, और यहाँ पे और एक बटन मिलता है आपको। तो यहाँ पे लो रेंज आप जो है एक्टिवेट कर सकते हो, ये आपको ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे काफी एक ब्यूटीफुल यहाँ पे आपको जो है गियर नॉब मिलता है, बाय द वे लेदर रैप्ड अगेन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली इसके पीछे एक बटन है, तो ये बटन प्रेस करके आपको जो है इसको गियर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम नीचे कर देंगे तो ये ड्राइव में चली जाएगी गाड़ी, और आपको हैंड ब्रेक बाय द वे यहाँ पे मिलता है, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पार्किंग में गाड़ी को डालना है। यहाँ पे बटन दिया गया है पार्किंग में डाल दीजिए और आपकी जो हैंड ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा, और बटन प्रेस करके जैसे आप डी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ड्राइव मोड यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो जाएगा। वापस बटन प्रेस करके ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, वापस ऊपर करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स आ जाएगा, और रिवर्स पार्किंग स्क्रीन यहाँ पे आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको जो है वो दिखा देगा। सो दैट इज अबाउट इट। यहाँ पे आपको जो है सी पोर्ट मिलता है आपका, जिसके आप फोन चार्ज कर पाएंगे, और यहाँ पे आपको USB पॉइंट दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी स्पेस आपको मिलती है, यहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है। तो यहाँ पे जो है आप कुछ सामान वगैरह रख पाएंगे। इसके नीचे आपको ग्लव बॉक्स बेसिकली मिलता है, और मटेरियल की क्वालिटी जो है काफी शानदार यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे लेदर कम्प्लीटली मिल जाता है आपको, ऊपर यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक आपको मिलेगा, यहाँ पे भी आपको रबर मिलता है।
यहाँ पे अगेन जो है लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कूल ग्लव बॉक्स अगेन यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आप जो है कैंस वगैरह रख सकते हो और वो जो है ठंडे जो है इसका टेम्परेचर जो है वो बेसिकली मेंटेन करेगा। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो डिसेंट साइज का यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स जो है कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा। और एक चीज अब स्टीयरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर जो दिया गया है वो काफी अच्छा लगता है। डिफेंडर यहाँ पे लैंड रोवर रेंज रोवर का बैज नहीं मिलता, यहाँ पे डिफेंडर का बैज मिलता है। और इन केस के आपके को पैसेंजर को पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी में बैठे तो उनको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डिफेंडर जो है एम्बॉस किया गया है कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रूफ पे क्या क्या चीजें मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे जो है बात करने लायक ये गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको सनवाइजर जो है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह का यहाँ पे वैनिटी मिरर आपको मिलता है। आपको बाकी सारी गाड़ियों में तो दो वैनिटी मिरर्स मिलते ही हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको तीन वैनिटी मिरर्स, आपको वैनिटी मिरर्स नहीं, आपको सनवाइजर जो है तीन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बेसिकली क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है आपको जिससे कि आप बीच में भी एक सीट बेसिकली जो है वो लगा सकते हो। आई थिंक वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं आई थिंक आपको जो है एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा डीलरशिप में पूछ के, उसके बारे में आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। अब बात करते हैं अबाउट द सनरूफ ऑफ द कार। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सनरूफ का ऑप्शन मिलता है। उससे पहले मैं आपको और एक अच्छा फीचर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मिरर जो है जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल IRVM है, आपको ऑटोमेटिक IRVM मिलता है, यानी कि पीछे से अगर कोई हाई बीम में आ रहा है तो ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली डिम कर देगा, आपकी आंखों में जो है वो लाइट नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना जो आपको दिया गया उसमें और एक कैमरा माउंट किया गया है जिसमें से कि ये आपको क्लियर साइट व्यू देता है, जो कि अगेन एक काफी बेहतरीन फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं अबाउट द पैनोरामिक रूफ। तो यहाँ पे बटन बेसिकली मैं आपको कितना खुलता है वो दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये बटन आप एक बार प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये इसका जो रूफ है वो ओपन हो जाएगा। काफी ज्यादा लाइट कैबिन के अंदर आ जाती है तो आपको जो है किसी भी तरह की क्लॉस्ट्रोफोबिक फील यहाँ पे आने नहीं वाली है। लेकिन ये जो है इतना ही ओपन होता है, इससे ऊपर ओपन नहीं होने वाला है ये। लेकिन यहाँ से जो है आप डेफिनेटली जो है वो खड़े रह सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो। गाड़ी जब मूविंग है तभी तो आपको खड़े रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वो मेरा एक सजेशन रहेगा, आपको एक एडवाइस रहेगी। अब इसको बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का रूफ आपको मिलता है। तो ये कुछ इस तरह से बंद हो जाता है यहाँ पे, और ये सनशेड जो है वो भी एक बार आप प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है सनशेड कंप्लीटली जो है वो बंद हो जाएगा। सो लेट मी अगेन ओपन इट अप जिससे कि अंदर लाइट आ सके। अब यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिलता है तो आप सनग्लासेस अपने महंगे वाले यहाँ पे रख पाएंगे। और यहाँ पे आपको बटन मिलता है सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए अगर आपको कॉल करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आपको जो है बटन मिल जाता है। और यहाँ पे SOS का बटन आपको मिलता है, तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये डायरेक्टली यहाँ पे बटन प्रेस करके आप जो है वो कॉल इसको जो है वो लगा पाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड दैट इज अबाउट इट। आई थिंक गाइज मैंने सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट दिस कार। अब बात करते हैं अबाउट द सीट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी लेदर सीट्स मिलते हैं, कुछ फैब्रिक का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जो है सीट आपको जो है ड्राइवर सीट जो है वो 12 वे एडजस्टेबल मिलती है। अब यहाँ पे डोर पैड्स की बात की है तो यहाँ पे पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे पावर विंडो आप लॉक अनलॉक कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मेमोरी सीट का बटन भी मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में जो है अलग अलग लोग हैं, इंडिविजुअल जिनकी हाइट अलग अलग है, कोई 6 फीट टॉल है, कोई 5.5 फीट टॉल है, तो आप बेसिकली उसको जो है उनके सीट उनके हाइट के हिसाब से आप सीट को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। तीन मेमोरी फंक्शंस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके ही दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सीट जैसे कि आप देख सकते हो मेरी कंप्लीटली जो है स्टीयरिंग भी एडजस्ट हो जाता है यहाँ से। सेकेंड में जैसे ये प्रेस करता हूँ तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट है, और जैसे ही मैं थर्ड प्रेस करूंगा तो ये थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। सो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से जो है तीन लोगों की सेटिंग यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो, और ये याद कर लेगी गाड़ी, उस हिसाब से आप जो है गाड़ी चलाना स्टार्ट कर सकते हो। और बात की जाए अब यहाँ पे और थोड़े फीचर्स आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक, आपको ऑब्वियसली आपका हेडलाइट्स मिलती है, वाइपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है जिससे कि आप जो है स्टीयरिंग व्हील को जो है कुछ इस तरह से आगे और पीछे जो है वो कर पाएंगे। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली अबाउट दिस कार, अबाउट द इंटीरियर, अबाउट द फीचर्स। अब बात करते हैं अबाउट द स्पेस, और फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफ द कार। सो लेट्स क्विकली गेट इन द सेकेंड रो ऑफ द लैंड रोवर डिफेंडर।
सो गाइस अब मैं आ चुका हूं इन द सेकंड रो ऑफ द लैंड रोवर डिफेंडर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ड्राइवर सीट है ये कंप्लीटली पीछे नहीं है, इट इज नॉट ऑल द वे अहेड एज वेल, यहाँ पे इट इज समवेयर इन द मिडिल। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लेग रूम की किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आपको आती है, क्योंकि आप पैर स्ट्रेच कर सकते हो बिलो ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर सीट। नी रूम जो है वो भी काफी बेहतरीन आपको मिलता है, हेड रूम जो है काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी डिसेंट आपको मिलता है, किसी भी तरह की कंप्लेन करने की बात यहाँ पे बनती ही नहीं है। और शोल्डर रूम जैसे कि आप देख सकते हो आप आराम से 3 adults को यहाँ पे बिठा देंगे, काफी वाइड कार ये जो है आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलता है, तो यहाँ पे 2 cup holders के साथ आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप राजा की तरह ऐसे कुछ बैठ के जो है आगे का व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और मैं बीच में बैठ के आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बीच वाला पैसेंजर जो है वो भी राजा की तरह यहाँ पे जो है सफारी का जो है वो एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो पैनोरामिक रूफ मिलता है, यहाँ पे हैंडल दिया गया है टू होल्ड ऑन टू, यहाँ पे हुक आपको मिलता है, यहाँ पे भी आपको हुक मिलता है, तो आप जो है अपने आपके ब्लेजर जो है यहाँ पे आप जो है वो टांग पाएंगे। यहाँ पे बेसिकली आई थिंक ये लाइट आपको दी गई है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको एक सफारी विंडो मिल जाती है देखने के लिए, एंड दैट इज अबाउट इट आई थिंक। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर ली इन द सेकंड रो ऑफ द कार। बाय द वे यहाँ पे आपको एक मैगजीन होल्डर भी मिलता है, तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन रख सकते हो और जो है आप बेसिकली पढ़ सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली आपको पीछे भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसी के लिए कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स मिलते हैं बाय द वे, तो यहाँ पे 12 volt का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यूएसबी के 2 points है, 2 आपको 12 volt चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए और 2 USB के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। सो गाइस आई थिंक दैट इज अबाउट द सेकंड रो ऑफ द कार। अब जो है मैं थर्ड रो में चलता हूँ और आपको कितना स्पेस मिल जाता है वो एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस अब बात कर लेते हैं अबाउट द थर्ड रो स्पेस ऑफ द लैंड रोवर डिफेंडर, तो कैसे अंदर जाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 60-40 स्प्लिट ये सीट आपको मिलती है, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, तो ये लीवर आपको जो है पुल करके इस सीट को आगे लेना पड़ेगा। यहाँ पे और एक लीवर मिलता है, तो इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये टंबल हो जाती है। अब इसको गिराने के लिए इसके पीछे एक बटन मिलता है, तो ये प्रेस जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका हेडरेस्ट जो है कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे इतनी ही स्पेस बचती है अंदर जाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे दी नहीं गई है, तो अब जो यहाँ पे सामान बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे जो है लगेज आपका जो है वो लोड करें। बच्चों को आप जो है कोशिश कर सकते हो बिठाने के लिए, पर आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है। अल्दो पीछे आपको जो है बड़ा सा हेडरेस भी दिया गया है, यहाँ पे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है और सफारी विंडोज भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है आप कोशिश कर सकते हो बच्चों को बिठाने के लिए। आप जो है डेफिनेटली जब इस गाड़ी को शोरूम में देखने जाएंगे या फिर जब आप खरीदते हो तो डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हो। रोड प्रेजेंस जो इस गाड़ी का है काफी शानदार आपको मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी बड़ी गाड़ी है, मैंने जो राइड हाइट है इसकी बढ़ा दी है कम्प्लीटली, और जस्ट सी द डिफरेंस, जस्ट सी द मैसिव गैप व्हील और बॉडी के बीच में का गैप, आप देख सकते हो कितना मैसिव गैप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसकी गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है काफी शानदार रोड प्रेजेंस इस गाड़ी में आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है, काफी मैसिव रोबस्ट और मस्कुलर गाड़ी यहाँ पे जो है, सारे एडजेक्टिव्स मैंने जो है यूज कर लिए यहाँ पे। अब बात करते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द इंजन, तो इस गाड़ी को बेसिकली पावर करता है 2 liter का पेट्रोल इंजन, बाय द वे डीजल इंजन भी अवेलेबल है। डीजल इंजन के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पेट्रोल इंजन। जो मैं आज चला रहा हूँ दैट इज द 2 liter पेट्रोल इंजन, ये बनाता है 300 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क। रिफाइनमेंट के मामले में काफी शानदार इंजन है, इंजन का नॉइज आपको जो है कैबिन के अंदर नहीं आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको जो है डिसेंट पावर एंड पिकअप आपको मिल जाती है, पूरा पंजा जब आप दबाते हो तो डेफिनेटली आपको जो है काफी अच्छा पिकअप जो है गाड़ी से वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि यहाँ पे स्पोर्ट मोड भी आपको मिलता है, पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलता लेकिन स्पोर्ट मोड मिलता है, तो गाड़ी को जो है आप जैसे स्पोर्ट मोड में डालेंगे तो इसके RPM जो है वो थोड़े से बढ़ जाता है, जैसे सभी गाड़ियों में हम लोगों ने देखा है, और आपको जो है काफी बेहतरीन ये जो है वो परफॉर्मेंस स्पोर्ट मोड में थोड़ी परफॉर्मेंस आपको जो है बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। सो दैट इज अबाउट द इंजन। अब बात करते हैं अबाउट द गियर बॉक्स, इस गाड़ी में आपको मिलता है 8-speed का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जो कि काफी स्मूथ शिफ्टिंग आपको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, तो सिटी में जब आप चलाते हो हाईवेज पे जब आप चलाते हो तो लैग फ्री आपको जो है एक सीमलेस जो है ड्राइव जो है यहाँ पे इस गाड़ी से देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज अबाउट द गियर बॉक्स। अब बात करते हैं मूविंग ऑन टू माय पर्सनल फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ अ कार विच इज द राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया में आपको जो है राइड क्वालिटी डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम सभी को चाहिए होती है। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की शानदार है क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है, एयर सस्पेंशन आपको मिलता है, इट इज ऑन द सॉफ्टर साइड, तो खराब सड़कों से जब आप इस गाड़ी को लेके जाते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। हाईवे पे जो है आप इसकी राइड हाइट नीचे करके आप चला सकते हो जिससे कि गाड़ी जो है चिपक के चलेगी, एंड आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड बाय द हैंडलिंग एज वेल। हैंडलिंग भी जो है वो काफी अच्छी आपको मिलती है, किसी भी तरह की चीज नहीं है कंप्लेन करने के लिए, ऑब्वियसली बॉडी रोल आपको फील
फील होगा क्योंकि काफी मैसिव गाड़ी है ये, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो हैंडलिंग है वो काफी बेहतरीन मिलती है, फील एंड फीडबैक जो स्टीयरिंग व्हील का है वो काफी अच्छा मिलता है और स्टीयरिंग वेव भी काफी अच्छा कर लेता है। 2.3 टन्स का इस गाड़ी का बाय द वे वेट है। एट दिस वेट इसका जो स्टीयरिंग है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे बहुत ज्यादा हेवी होगा। इनफैक्ट अगर आपने कभी हेक्सा चलाई है टाटा मोटर्स की तो उसका स्टीयरिंग व्हील जो है उतना हेवी था कि आपको जो है जिम जाने की जरूरत नहीं थी, इतना हेवी आपको जो है स्टीयरिंग व्हील मिलता था उसका, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, काफी लाइट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। तो अगर आप सिटी में भी चलाते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो आपको दिक्कत जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो वो बात हो गया अबाउट द राइडिंग, राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। सेफ्टी फीचर्स बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं, एयरबैग्स, आपको ABS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी आपको अंदर जो है वो दिखा दिए हैं। सो गाइस आई थिंक मैं सारी चीजें कवर कर लिया अबाउट दिस कार। आई थिंक मैं आपको जो है इसका एक ऑफ रोड वीडियो भी बनता है तो फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे कि आपको एक ऑफ रोड वीडियो इस गाड़ी का मैं बना के दूं। अब बात करते हैं अबाउट द वर्डिक्ट, किनको ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्या क्या चीजें इस गाड़ी में है, क्या प्राइस है। प्राइस की बात की जाए तो 80.7 लाख से इस गाड़ी की जो है एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, इंजन भी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी कॉस्ट जो है वो जाती है अप्रॉक्स 1 करोड़ 22 लाख रुपीज। आपको जो है ऑन रोड और थोड़ी सी महंगी ये गाड़ी जो है वो पड़ जाएगी। ये गाड़ी जो मैं इस वक्त चला रहा हूँ आई थिंक इसकी प्राइस अप्रॉक्स 87 लाख एक्स शोरूम है। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन पे जो है इसके एग्जैक्ट एक शोरूम प्राइस वो मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट दिस कार। अगर आपके कुछ सवाल है श्योरली तो आप मुझे पूछ सकते हो ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिस वो काफी रोबस्ट हो, इसका रोड प्रेजेंस जो है काफी शानदार हो, ऑफ रोड कैपेबल गाड़ी हो, और अगर आप ये बजट में कोई गाड़ी देख रहे हो तो डिफेंडर जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि इग्नोर डेफिनेटली नहीं किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। आपके सवाल आप श्योरली मुझे पूछ सकते हो। I'll see you guys in the next one. Until then, drive safe, ride safe. Bye-bye.